हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑफ सिटी हेड पब्लिक स्कूल बाराबंकी। आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमेरल्स। इसमें सबसे पहले आप लोगों को सीखना है ये जो सिंबल लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 सिंबल से इनको याद करना है और इनको बोलते हैं रोमन न्यूमेरल्स। और फिर जो हम लोग जानते हैं 1 2 3, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद करना है, जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है 1, जो V होता है इसको 5, जो X होता है इसको 10, जो ये है इसको 50। ऐसे ही आपको याद रखना है। और इसमें याद रखने के लिए एक आप ट्रिक कर सकते हैं, आगे के 3 एक फ्लो में याद कीजिए, IVX को और ये LCD को। LCD याद करने में ये ट्रिक बन जाएगी, LCD और इधर IVX। और ये अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे इससे कैसे लिखना है। सो आप लोग पहले IVX और LCD याद कर लीजिए, और यहाँ तक आप लोग जानते ही हैं 1, 5 और 10, इसको याद करना है ये। तो फिर हम आगे आते हैं ये इसमें हमें कैसे लिखना है। तो ये कुछ रूल्स बताए गए हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो हमारा पहला रूल क्या हो जाएगा इसमें, बाय राइटिंग IX एंड C ईच once, twice and thrice, increases its value by 1 time, 2 time and 3 times respectively, such as, जैसे ये लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है, आई का मतलब 1 होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर, याद करना है सबसे पहले। फिर इसको जैसे 2 time कर दिए, 2 I लिख दिए, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1 2 times हो जाएगा मतलब 2। फिर 3 times लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले का 3 times। ऐसे ही एक्स का यहाँ पर क्या होता है वैल्यू, 10। डबल एक्स कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसका 2 times हो जाएगा, 10 into 2 मीन 20। और 3 times कर दिए यहाँ भी हो जाएगा, जो पहला एक्स है उसका 3 times कितना हो जाएगा, 30। ऐसा मत कर देना कि ये जो 20 है इसका आप फिर 2 time कर दो फिर 40 हो जाएगा, नहीं, पहले वाले का ही 2 times फिर पहले वाले का ही 3 times, ऐसे ही सी में चलेगा ऐसे। और दूसरा रूल क्या होता है, V एंड L numerals कैन बी रिटन ओनली वंस इन अ नंबर। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे I को आप 2 बार लिख लेते हो फिर 3 बार तक लिख लेते हो, इसमें ऐसा नहीं होगा कि V कर लो या फिर LL या LLL LLL कर लो, ऐसा नहीं होगा। इसमें से ये सिंगल ही हमेशा यूज होंगे, जब भी कहीं भी यूज होंगे। और आप लोग घबराइएगा नहीं इसमें, पहले आप लोग 3-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये रूल याद होंगे, कई बार में याद होंगे, एक बार में याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद होंगे। और फिर देखिए तीसरा, टू राइट आई स्मॉलर न्यूमरल आफ्टर अ बिगर न्यूमरल मीन्स टू ऐड देम बोथ, सच एज, ये कह रहा है जो स्मॉलर न्यूमरल है उसको अगर किसी बिगर न्यूमरल के बाद लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है वो दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे वो दोनों लोग। जैसे V फिर I, V की वैल्यू बड़ी होती है, V का मतलब होता है 5, I का मतलब होता है 1, तो मतलब V के बाद I लिखा है, मतलब बड़े के बाद छोटा वाला न्यूमरल लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 प्लस I की वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं L और X में, L क्या है, 50 होता है, X कितना होता है, 10 होता है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके फिर आएगा। तो ये L मतलब 50 बड़ा है, X छोटा है, वो उसके बाद लिखा है, बड़े के बाद छोटा हुआ लिखा हुआ है, तो इन दोनों का मतलब होता है दोनों के वैल्यूज ऐड हो जाएंगी आपस में। तो L का 50 हो जाएगा और फिर उसका X का 10 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं चौथा रूल क्या है हमारा, टू राइट अ स्मॉलर न्यूमरल बिफोर अ बिगर न्यूमरल नंबर मीन्स टू सब्सट्रैक्ट इट, बट मतलब ये कह रहा है कि अगर छोटा हमारा न्यूमरल है वो पहले लिखा हुआ है बड़े से तो उसका मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना। बट इसमें कुछ और भी रूल है आगे, पहला पार्ट इसके, आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड ओनली वंस फ्रॉम वी एन एक्स सच एज, मतलब ये कह रहा है कि जो आई है सबसे छोटा है ये अपने से बड़े से जब पहले लिखा जाएगा तो सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, जैसे आई भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो, कभी भी हो सकता है कि आई आई फिर भी,
या आई 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 ट्रिपल आई लिखने के बाद भी लिखो, नहीं सिर्फ एक बार ही यह घट सकता है। ऐसे ही आई और एक्स, ये है कहने का मतलब। और यहाँ देखिए ऊपर आप लोगों ने क्या देखा था, पहले बड़ा लिखा लिखा हुआ था फिर छोटा लिखा हुआ था, उन दोनों का मतलब ऐड होता है। और यहाँ पे उल्टा है, छोटा पहले है बड़ा बाद में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट होना। तो बड़े वाले की वैल्यू में से छोटा वाला घट जाएगा, इसकी वैल्यू 5 है इसकी वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 = 4। ये बस यही समझाना था। फिर दूसरा क्या है, जो एक्स है, कैन बी सब्सट्रैक्टेड ओनली वंस फ्रॉम एल एंड सी सच एज, वैसे ही जैसे यहाँ है। एक्स देखो पहले यहाँ छोटा चीज लिखी होगी फिर एल बड़ा है, कभी एल एक्स नहीं होगा, एल एक्स हो जाएगा तो फिर ऐड मान लिया जाएगा दोनों। जैसे यहाँ पर एल है 50, एक्स है 10, तो दोनों माइनस हो गए, 40 आ गए। लेकिन यही उल्टा लिख गया होता एल एक्स तो 50 + 10 = इसकी वैल्यू 60 हो जाती। तो ये देखना कि पहले बिगर वाला लिखा है या स्मॉलर वाला लिखा है, उस हिसाब से ऐड करना है आप लोगों को या सब्सट्रैक्ट करना है। फिर अगला रूल है ये, वी एल एंड डी कांट बी सब्सट्रैक्टेड। इसका मतलब कहने का ये है, वी एल और डी को कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये भले ही छोटे हों, जैसे वी एक्स से छोटा है लेकिन कभी भी हम वी एक्स नहीं लिख सकते हैं, वो रूल में नहीं आता है। क्योंकि एक्स में से ही सोचो फिर हम एक्स की वैल्यू 10 है और वी की वैल्यू 5, सोचो 10 - 5 करके हम इसको उसको 5 लिख लें, वो नहीं माना जाएगा, वो रूल में नहीं है। सिर्फ घटा किसको सकते हैं, आई को घटा सकते हैं और एक्स को, और वो भी किस में से, ये भी एक रूल है, ये भी याद रखना। ये नहीं कि आई को तुम एल में से घटा रहे हो, आई एल लिख दियो, वो नहीं माना जाएगा। आई को सिर्फ और सिर्फ वी और एक्स में से ही घटा सकते हैं, और एक्स को ये नहीं कि डी में से घटा रहे हो, एक्स को सिर्फ और सिर्फ एल और सी में से ही घटा सकते हो। ओके, तो ये यहाँ यहाँ पर देखना आप लोग, ये हमारी टेबल बनी थी। आई को वी और एक्स में से घटा सकते हो, मतलब आई वी भी लिख सकते हो, आई एक्स भी लिख सकते हो, वो चल जाएगा, लेकिन आई एल या आई सी या आई डी नहीं लिख सकते हो। और इसी तरीके से ये इतने में चलेगा, आई को वी और एक्स में से घटा सकते हो और एक्स को एल और सी में से घटा सकते हो। ओके, तो ये दोनों हमारे घटने वाले हैं, और वी एल डी ऐसे याद रखो, ट्रिक है, वेल्डिंग वेल्डिंग होता है, वी एल डी इन ये कभी घट नहीं सकते हैं, वेल्डिंग हमेशा जुड़ती है, घटेगी नहीं, वी एल डी किसी में से भी सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब कभी भी अपने बिगर नंबर से पहले नहीं लिखे जा सकते हैं, हम लोगों का ये आ जाएगा। अब इसमें ऐसे थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये द आई बाब डिस्क्रिप्शन मेक्स इट क्लियर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट लार्जर नंबर्स एंड ये यही सब है। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ये रोमन नंबर से जो लार्जर नंबर लिखना कितना टफ पड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हमारा है 1, 2, 3 वाला, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ओके, हम लोग देखते हैं, ये टेबल लिखी हुई है और इसमें 1 to 100 हमारे रोमन में लिखे हुए हैं नंबर्स। जैसे सबसे पहले आप लोग इतना तो याद ही कर लेना है डायरेक्ट ही, 1 to 10, इसको ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हमने समझा ही दिया ये कैसे लिखा गया है। ओके, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो ये इसमें 5 में से आई की वैल्यू 1 घट के 4 हो जाएगा, ऐसे ही ये वी की वैल्यू डायरेक्ट याद ही है आप लोगों को, टेबल से याद ही कर लेनी है। और फिर वी आई का मतलब क्या हुआ, ये बिगर नंबर है, स्मॉलर नंबर बाद में लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ नहीं मतलब ऐड होगा, तो 5 + 1 = 6 की वैल्यू हो गई। फिर ऐसे ही यहाँ तक आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना है कि ये यूज में आता है इतना तो। उसके बाद आपको सीख लेना है लिखने के लिए कि अगर ज़रूरत पड़े या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब कैसे, फिर अपना रूल्स फॉलो करते हुए लिख लेना है। तो ये पूरी टेबल लिखी हुई है, मैंने आपको रूल सारे समझा ही दिए हैं कि स्मॉलर बिगर कौन होगा, ऐड होगा कब, कौन सब्सट्रैक्ट होगा, और किसको 2 times 3 times, मैंने वो सारे रूल बताए हैं, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। और मैं एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ आपको, उसे गेस करने में ऑप्शन जब भी दिए होंगे तो चूज़ करने में आराम हो जाएगी। जैसे ये इतना आपको याद करना है, ये वाला इसमें ये यहाँ से याद रखना, फिर ये पूरा एक्स चलेगा, शुरुआत में सबके एक्स रहेगा और बाद में अपने हिसाब से करिएगा।
इसे x की वैल्यू 10, फिर उसके बाद 1 ऐड कर दीजिए, फिर यही उठा के इसके सामने रख दीजिए, फिर x के बाद 3 रख दीजिए, फिर x के बाद 4 रख दीजिए, फिर x के बाद ये से चलेगा। तो मतलब जब भी आप उसमें आएंगे 10 के बाद वाले में, तो फिर x के बाद कुछ लिखा जाएगा, 20 वाले में डबल x के बाद, फिर 30 वाले में ट्रिपल x के बाद, फिर उसके बाद XL आ जाएगा, फिर L हर जगह L चलेगा, फिर LX चलेगा, फिर L डबल X चलेगा, फिर L ट्रिपल X चलेगा, फिर XC चलेगा। ऐसे याद रखना है। और यहाँ पर ये L के बाद कुछ भी लिखना है तो आपको पता L की वैल्यू 50, L के बाद कुछ भी लिखेंगे तो मतलब 50 के बाद वाला, 50 के बाद वाला हमारा कॉलम चलेगा। और LX L 50 X 10 मतलब 60 की वाली हमारा कॉलम चल रहा है ये। ओके, इस तरह से याद करने का आप ट्रिक याद कर लीजिए, बाकी आप लोगों को रूल्स सिखाए गए हैं। फिर हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। पहला जैसे हमारा 14 हो गया, तो 14 को कैसे लिखोगे आपको डायरेक्ट पता है। पहले तो आप सिंपल ही हिंदू अरबी में तोड़ने का सीख लीजिए। 14 को कैसे तोड़ेंगे, 10 + 4 सिंपल है, तो 10x हो जाएगा। तो 4 को मैंने बताया था आपको लोग 1 to 10 याद करना है सीधे यहाँ से यहाँ तक, तो 4 को iv होता है, फिर xiv लिख दिए। ओके, ऐसे ही जैसे 31 आपका हो गया, 31 में क्या अपने मन में सोचिए पहले तोड़ेंगे कैसे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे 31 को, तो सीधी बात 30 + 1 ना कि 40 - 9। तो 30 मैंने आपको बताया x की वैल्यू 1 होती है, 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं, तो 30 तक तो मैं यहाँ से हो जाऊँगा x x x करके, फिर 1 i लिख देंगे ऐसे ही। फिर अब हम देखेंगे 123 वाला। 123 को पहले आप सिंपल तोड़िए अपने जो हिंदू अरेबिक में, वो क्या हो जाएगा 100 + 20 + 3 ऐसे आपको तोड़ने सीखना है। 100 को सीधा सी लिख देंगे, 20 को डबल एक्स कर देंगे, एक्स का 2 टाइम हो जाएगा, और ये 3, फिर सी एक्स एक्स, फिर ट्रिपल आई। ओके, ऐसे हो जाएगा।